प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है। हेलो बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ नौबत खाने में इबादत का फुल एक्सप्लेनेशन सारांश में आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि सारांश समझने के बाद आप लोगों को काफ़ी इसमें सुविधा होगा। और इससे पहले जो है हम इसका लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी मैं आप लोगों को नौबत खाने में इबादत पाठ जो है यतीन्द्र मिश्र जी लिखे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। अब जो नौबत खाने में इबादत है उस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, या बिस्मिल्ला खान जो शहनाई वादक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक, उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है और एग्जाम में यह आएगा। तो नौबत खाने में इबादत जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्ला खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, मतलब उनकी क्या क्या रुचियों और रुचि थी, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान होता है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, इसका अभ्यास भी जरूरी होता है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य की परंपरा जरूरी होता है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्ला खान में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब हम आप लोगों को सारांश बताने जा रहे हैं नौबत खाने में इबादत का। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि नौबत खाने किसको बोला जाता है। नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने हम लोग उसको बोलते हैं प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि बजाने का एक स्थान होता है, जहां बैठकर मंगल ध्वनि बजाया जाता है, शहनाई बजाया जाता है, उस स्थान को हम लोग नौबत खाना बोलते हैं, या ऑर्केस्ट्रा हाउस भी उसको बोला जा सकता है। और इबादत बोलते हैं आराधना, पूजा और उपासना, और इनके लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं। अब नौबत खाने में इबादत पाठ आगे इसमें आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, काशी का पुराना नाम जो है बनारस का पुराना नाम सॉरी काशी है, और पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, बालाजी बोलते हैं हनुमान जी की मंदिर, ड्योढ़ी मतलब दहलीज, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली ध्वनि, वहां से जो शहनाई बजाया जाता था उसकी जो ध्वनि निकलती थी उसके बारे में बोला जा रहा है। अमरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन जो है 9 साल का है। अमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया का नाम है, किसको राग कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको कुछ भी शहनाई में क्या राग होता है, क्या सुर होता है, इस सब का कुछ भी पता नहीं है।
मामू जान उनके मामा जी वगैरह जो है हमेशा बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी बोला करते थे। तो इसका मतलब जो है बिस्मिल्ला खान जी नहीं समझ पा रहे थे कि इन शब्दों का सही सही अर्थ क्या है। और इतना जरूर है कि अमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय मतलब दो मामा थे, पहला उनका नाम था सादिक हुसैन और दूसरे जो मामा जी थे वो अली बख्श जी थे, जो कि देश विदेश में जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों मतलब राजा महाराजा के दरबार में बजाने के लिए जाते थे और रोज जो है बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। मंदिर के विग्रहों को मतलब मंदिर के विग्रहों मतलब वहाँ के खंभे वहाँ के पिलर्स इन सब को पता नहीं क्या मालूम रोज रोज वहाँ शहनाई बजाया जाता था। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उन पिलर्स को उन जो है वहाँ के मंदिर के पिलर्स वगैरह को इमारत को क्या पता, क्योंकि वहाँ बदल बदल कर रोज नया नया राग गाया जाता था। और अलीबख्श के घर का खानदानी पेशा था यह, अब्बाजान भी यही ड्योहरी पर शहनाई बजाते थे। अब्बाजान मतलब बिस्मिल्ला खान जी के नाना जी। अब अमरुद्दीन का जो है जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का, तो अमरुद्दीन जो है अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वो ननिहाल नाना के घर काशी में आ गया था। और डुमराव का इतिहास कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगता है, पर डुमराव जो है डुमराव में शहनाई जिस रीड नरकट से बनता है शहनाई, तो वहां ही पाया जाता है डुमराव में। और वह जो है सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है, इसलिए जो है डुमराव का नाम वहां प्रसिद्ध है। और इतनी ही महत्ता है उस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र वहाँ बजता है। फिर अमरुद्दीन जो सबके प्रिय हैं उनके उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब हैं, उनका जन्म स्थान भी डुमराव में ही है डुमराव में। और उनके परदादा का नाम क्या है, सलार हुसैन खां, और उनके पिताजी का नाम है उस्ताद पैगंबर बख्श खां, और मम्मी का नाम माँ का नाम मिठन। अब आगे बताते हैं कि बिस्मिल्ला खान जी को किन से प्रेरणा मिली थी। तो अमरुद्दीन की उम्र अब 14 साल की हो गई है, और जो है बिस्मिल्ला खान की उम्र अभी 14 साल की है, वह वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्ला खान रोज रियाज करने जाते थे, वहाँ शहनाई का अभ्यास करने जाते थे। मगर वहाँ और पर रास्ते में जब जाते थे तो उनको एक रसूलन बाई और बतूलन बाई का वहाँ घर मिलता था, जहाँ इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना बहुत पसंद था, क्योंकि रास्ते में जाने के बाद जो है बहुत तरह का संगीत उन्हें सुनने को मिलता था। और आगे जो है बहुत तरह का जब उनसे साक्षात्कार किया गया है, इंटरव्यू लिया गया है बिस्मिल्ला खान जी को से, तब उन्होंने बताया है कि रसूलन बाई और बतूलन बाई का उनके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, उनके संगीत से इनके अंदर जो है संगीत के प्रति लगन जगा और आगे चल करके जो है इतने बड़े महान शहनाई वादक बने हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि वैदिक इतिहास मतलब शहनाई का इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं, मतलब इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है शहनाई का, इसे संगीत शास्त्र सुसुर वाद्यों में गिना जाता है। सुसुर वाद्य और अरब देश में जो है सुसुर वाद्यों को नए बोलते हैं, शहनाई को शाहनय अर्थात सुसुर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, शहनाई में मुरली बंसी श्रृंगी एवं मूर्छंग चार चीज को जो है का वर्णन हुआ है, और ये सभी सुराग वाले वाद्य यंत्र हैं जिनमें फूंककर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। अब आगे लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्ला खान जी की क्या कामना थी और ईश्वर से क्या विनती हमेशा करते रहते थे। तो यहाँ बताया जा रहा है शहनाई की
कि इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्ला खान साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं, मतलब ईश्वर से हमेशा विनती करते थे कि ईश्वर मुझे ऐसा सुर दीजिए ताकि कोई अगर सुने तो उनके आंखों से सच्चे आंसू, बिना प्रयास के जो आंसू होते हैं जब किसी आदमी को दुख होता है, तकलीफ होता है और कुछ ईश्वर से विनती करते हैं और पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो जिस तरह सच्चा आंसू गिरता है उसी तरह बोलते हैं कि हे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर, मतलब वह प्रभाव पैदा कीजिए कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगर आंसू निकल आए, मतलब बिना प्रयास के जो आंसू है वह निकल आए। और उनको यकीन है कि जब जब सच्चे दिल से कोई ईश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनकी पुकार जो है ईश्वर जरूर सुनते हैं और उनको यकीन है कि ईश्वर एक न एक दिन उनकी पुकार को सुनेंगे और उनके के झोली में जो है सुर का फल निकाल कर देंगे और फिर कहेंगे ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने वाहपुहों से बचने के लिए, मतलब अपने उलझनों से बचने के लिए जो है आदमी हमेशा एकांत में रहना चाहता है, वह चाहता है कि हमें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो और हमेशा जो है एक जादुई दुनिया में रहना चाहता है। जिस तरह अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरह हिरण के नाभि में जो है खुशबू रहता है, सुगंध रहता है, लेकिन हिरण यह नहीं समझ पाता कि उनके नाभि में ही वह सुगंध है और उस सुगंध को पाने के लिए जो है हिरण जंगल जंगल भटकते फिरता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि बिस्मिल्ला खान के अंदर इतने सच्चे सुर हैं, फिर भी और अच्छे सुर के लिए जो है हमेशा भगवान से विनती करते रहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यही है। अब आगे बोल रहे हैं कि बिस्मिल्ला खान और सहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। अब कौन सा मुस्लिम पर्व है? वह है मुहर्रम के दिन का, और उस दिन जो है बिस्मिल्ला खान के बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरह वो हिंदू मुस्लिम सब के साथ एकजुट होकर के साथ देते थे। तो मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी, मतलब शोक प्रकट करते हैं, और यह शोक जो होता है पूरे 10 दिन का शोक होता है। और उस दिन की जो है बिस्मिल्ला खान के परिवार के कोई भी लोग जो है सहना ही नहीं बजाते हैं, क्योंकि यह शोक का पर्व माना जाता है। और उस दिन जो है दुख प्रकट करते हैं लोग जो है हजरत इमाम हुसैन के परिवार और उनके लिए, उनके बलिदान के लिए लोग रोते हैं और दुख प्रकट करते हैं, इसलिए पूरे 10 दिन तक शहनाई नहीं बजाया जाता है। इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। और जब आठवें दिन होता है तो उनके लिए खास महत्व का दिन होता है, मुहर्रम का आठवां दिन। और उस दिन जो है खान साहब बिस्मिल्ला खान जो है खड़े होकर के शहनाई का धुन बजाते हैं और वह धुन होता है नौहा धुन। नौहा धुन शोक ध्वनि होता है, तो उसको बजाते हैं। इस दिन कोई राग रागनी नहीं बजता है क्योंकि यह शोक का पर्व है। अब आगे बोल रहे हैं कि इस तरह जो है यह मुहर्रम का पर्व समाप्त होता है और हजार वर्ष की परंपरा, मतलब यह परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है और यह संपन्न होता है। और उस दिन जो है बड़े कलाकार, कहा गया है कि उस दिन बिस्मिल्ला खान जी इतने बड़े जो हैं सहनाई वादक हैं, फिर भी हर एक पर्व में, चाहे मुस्लिम का पर्व हो या हिंदू का, सब में वो शरीक होते हैं, साथ देते हैं। आगे बोल रहे हैं कि अब आगे उनके कुछ रसिक और विनोदी स्वभाव का यहाँ जिक्र किया गया है और वो अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी अनुभव हुआ है उसको व्यक्त करना चाहते हैं इसमें। तो अब कह रहे हैं कि मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सकून के क्षणों में, जब कभी
अकेले होते थे, शांत रहते थे, जब शहनाई नहीं बजाते थे तो उस क्षण में अपने जवानी के दिन की याद किया करते थे। बिस्मिल्ला खान जी क्या याद किया करते थे? तो उस दिन जो है, उन दिनों अपने जुनून दीवानगी को अधिक याद किया करते थे, अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम। पक्का महाल मतलब जगह का नाम है जहाँ की कुलसुमबाई हलवाइन जो है कचौड़ी बनाती थी, और सुलोचना जो कि एक्टर्स हैं, हीरोइन उनकी पसंदीदा हीरोइन है, उनकी याद वो करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है जब उस बात की याद करने लगते हैं बिस्मिल्ला खान जी, तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्द ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। मतलब सहज मुस्कान, जो बच्चे वाली मुस्कान होती है, बाल सुलभ हंसी उनके चेहरे पर आ जाती थी। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद मतलब उसी में वो खो जाते हैं। बिस्मिल्ला खान तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। अब 4 साल के जब बिस्मिल्ला खान थे, उस समय की बात का यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि जब वो 4 साल के थे तब उन्हें इतना शौक था शहनाई का कि उनके जो नाना जी शहनाई बजाते थे, तो नाना जी शहनाई बजाने के बाद उसको रख देते थे अलग में, और वहाँ पर बहुत सारा शहनाई रहता था, उसमें से वो नाना वाली शहनाई को ढूंढते थे अलग से, क्योंकि उनको प्रैक्टिस बहुत पसंद था। जब नाना जी चले जाते थे तो छुप करके उसका प्रैक्टिस किया करते थे, और जब उन्हें मिल जाता था वह शहनाई, उतने भीड़ वाले शहनाई में से जो है नाना जी वाला जब शहनाई मिल जाता था तो वो एक पत्थर पटक कर दाद देते थे। मतलब सम आने पर तमीज उन्हें बचपन से आ गई थी, मतलब उन्हें सुरों की पहचान आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दिया जाता है, मतलब वो पत्थर पटक के देते थे, क्योंकि वो बच्चे थे, उन्हें यह मालूम नहीं था कि जो है, मालूम था कि दाद जो है वाह करके दिए जाते हैं, सिर हिला करके नहीं दी, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं दी जाती है। और बचपन के समय फिल्मों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको फिल्म देखना बहुत पसंद था, और उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे लगते थे, और अमरुद्दीन जो है 2 पैसा मामू से लेते थे, 2 मौसी से, 2 नानी से लेता था, और घंटों लाइन में टिकट हासिल करता था। और इधर सुलोचना की जब नई फिल्म आ जाती थी तब जो है वो अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज उनको 8 मेहनत ताना मिलता था, मजदूरी मिलता था बालाजी के मंदिर पर, उस पैसे को लेकर के फिल्म देखने चले जाते थे, क्योंकि सुलोचना का फिल्म देखना उन्हें बहुत ही पसंद आता था। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई भी नई फिल्म को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी, और वहाँ जब वो जाते थे तो कुलसुम बाई जो हलवाइन थी वो कचौड़ी जो घी में बनाती थी, तो उन्हें यह खाना बहुत ही पसंद आता था, संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़, और उस टाइम में जब वो छन्न से कचौड़ी डालती थी तो उस आवाज में भी उनको ऐसा लगता था कि उस समय भी उसे आरोह अवरोह दिख जाते थे, मतलब सुर का जो उतार चढ़ाव है, ऐसा लगता था कि उनको उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और यहाँ लेखक कहते हैं कि राम जाने कितने लोग यहाँ कचौड़ियाँ खा कर गए हैं, पर किसी के अंदर यह भाव नहीं था जो भाव बिस्मिल्ला खान जी के ऊपर था, और वो स्वादी एवं सुरों की अच्छी परख थी उनमें। अब आगे यहाँ कह रहे हैं कि काशी में संगीत का आयोजन प्राचीन काल से जो है होता रहा है, और यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी के मंदिर पर होता आया है, और यह मंदिर शहर के दक्षिण लंका पर स्थित है,
वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है और उसमें बिस्मिल्ला खान अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उत्साह बिस्मिल्ला उस्ताद बिस्मिल्ला खान की श्रद्धा जो है वे इस्लाम धर्म को भी उतना ही मानते थे जितना हिंदू धर्म को मानते थे। यहाँ यही कहने का मतलब है कि काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा उनमें दिखाई देता था और जब वे काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे, उनको इतना प्रेम था। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा देते थे और भीतर की आस्था जो उनकी श्रद्धा भरी भावना थी वह अल्लाह और ईश्वर सबको एक समझने की भावना थी, इसके ओर संकेत किया जा रहा है। और आगे बोल रहे हैं कि जब वो शहनाई बजाते थे तो रीढ़ जो है 15-20 मिनट के अंदर जो है गीली हो जाती थी, तब बिस्मिल्ला खान जी दूसरा शहनाई उपयोग करते थे। अब आगे अक्सर बिस्मिल्ला खान जी कहते थे क्या करें मियाँ, मतलब काशी और बिस्मिल्ला खान का जो है अटूट संबंध इसमें दिखाया जा रहा है इस पंक्ति में। और अक्सर बिस्मिल्ला खान जी बोलते थे कि क्या करें मियाँ, कि काशी छोड़कर कहाँ जाए, मतलब उनको काशी से बहुत ही लगाव हो गया था। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान के कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है, हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज हो चुके रह चुके हैं, अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न यह काशी। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि आदमी जहाँ रहता है उस जगह से भावनात्मक लगाव हो जाता है, तो इसी बात का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और अंतिम समय तक जो है बिस्मिल्ला खान जी काशी में ही रहे हैं और आगे बोल रहे हैं कि जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, मतलब शिक्षा दी है, और जहाँ हम अदब पाए हैं, कायदा सीखे हैं, वो कहाँ और मिलेगी, मतलब काशी के सिवा हमको कहीं भी नहीं मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, मतलब उनका लक्ष्य यही था कि हमेशा वे काशी में ही रहे। अब आगे बोल रहे हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, मतलब वहाँ संस्कृति की अलग अलग तरह का जो है वहाँ विभिन्न तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहता है, इसलिए उसको सांस्कृतिक पाठशाला बोला गया है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। अब वहाँ पर बोलते हैं कि काशी में कंठे जी महाराज हैं, विद्याधारी हैं और बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। वहाँ पर कौन कौन रहते थे यह सब यहाँ जिक्र किया गया है। वहाँ दुख होता था, सुख होता था, सब एकजुट होकर के वहाँ रहते थे और वहाँ का जो है संस्कृति ही अलग है, सब जो है एक दूसरे से सबका लगाव है, यहाँ इस पंक्ति में यह दिखाया जा रहा है। और बिस्मिल्ला खान की को जो शहनाई का प्रभाव है इसमें यह दिखाया जाता है। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है बिस्मिल्ला खान है और बिस्मिल्ला खान जी कहते हैं का मतलब बिस्मिल्ला खान की शहनाई, मतलब बिस्मिल्ला खान का नाम और शहनाई एक दूसरे के पूरक हैं। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्ला खान का हाथ, हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्ला खान की फूक और शहनाई की जादू की आवाज, मतलब वह इतने अच्छे शहनाई बजाते थे जो लोग सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं थे, इसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े, दुनिया कहती है सुहान अल्लाह और उस पर बिस्मिल्ला खान जी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है, शहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है, बिस्मिल्ला का खान का सारा संसार जो है सुरीला होने लगता है, जैसे हम लोग कोई प्रार्थना करते हैं और उसमें खो जाते हैं, उसी तरह जब बिस्मिल्ला खान जी शहनाई बजाते थे तो ऐसा लगता था कि सब लोग उसमें खो गए हैं, मंत्रमुग्ध हो गए हैं।
इसका इसमें जिक्र किया जा रहा है। और एक दिन क्या हुआ था, यह भी कहानी इसमें है। एक दिन एक शिष्या थी जो डरते डरते खां साहब को, बिस्मिल्लाह खान जी को बोली, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, पर यह फटी तहमत पहना ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता है, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। मतलब एक दिन उनकी शिष्या जो है, तहमत का मतलब हुआ लुंगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान जी सादगी पसंद थे और उनको जो हमेशा अपने शरीर पर कोई भी ध्यान नहीं रहता था और बस उनको एक ही लक्ष्य रहता था, शहनाई बजाना। और तो शिष्या को यह पसंद नहीं आया क्योंकि वो फटे हुए लुंगी पहने थे और जब भी कोई मिलने आते थे तो कभी भी वो अपना दूसरा कपड़ा बदल के नहीं जाते थे, वही फटी हुई लुंगी में वहाँ चले जाते थे। तो वह शिष्या डरते डरते बोली, तो इस पर जो है खान साहब बोले, मुस्कुराने लगे लार से, मतलब प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, मतलब यह फटी हुई जो लुंगी हम पहनते हैं इस पे नहीं, क्योंकि हम जो सहनाई बजाते हैं, हमारे अंदर जो वह कला है, उस कला को देख करके हमको भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। और तुम लोगों की तरह अगर हम बनाव श्रृंगार करते रहेंगे तो किस तरह हम यह ख्याति पाते, सहनाई किस तरह बजाते, क्योंकि बनाव श्रृंगार करने में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वह सादगी पसंद करते थे और हमेशा उनका लक्ष्य सहनाई बजाने में लगा रहता था, और शरीर पर कभी भी वो क्या पहने हैं, किस तरह का पहनावा है, उस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वह शारीरिकता से ऊपर उठ चुके थे, उन्हें सिर्फ स्वर को अच्छा से अच्छा दिशा देना पसंद था। जो लोग स्वरीय सुख को जान जाते हैं वे शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि संगीत भी एक साधना है, वे संगीत के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए थे। और बताया कि इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी अपनी शिष्या को बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर फटी हुई लुंगी है तो वह सिल जाएगी, लेकिन फटा सुर न बख्शे, और कभी भी हम सुर से बेसुरे नहीं हो। अब आगे यहाँ पर जो है लेखक कहना चाहते हैं, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी जो है पहले का माहौल, और काफी दिन 2000 सन 2000 की बात है, अब 2000 की बात यहाँ कह रहे हैं कि पक्का महल, मैंने काशी से विश्वनाथ से लगा हुआ पक्का महल जगह का नाम है, और वहाँ पर जो है मलाई बर्फ बेचने वाले थे। खां साहब को इसकी कमी मालूम हो रही है, वहाँ पर मलाई बेचने वाले भी चले गए हैं, और वहाँ जो कुलसुम बाई जो है जो कचौड़ियाँ बेचती थी वह सब भी अब नहीं है। खां साहब को बड़ी शिद्दत से, मतलब यहाँ बहुत ही कमी 2000 में जब वो गए हैं, सन 2000 में उस जगह पे उनको बहुत बदलाव आ गया है, और उन्हें लग रहा है कि काफ़ी बदलाव आ गया है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है, मतलब संगतकार के लिए जो पहले आदर रहता था, प्यार रहता था, एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, वह सब जो है कमी उनको महसूस होने लगा, वैसा भी प्रेम भाव अभी नहीं दिख रहा है। खां साहब अफसोस जताते, उन्हें काफ़ी अफसोस हो रहा है, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, क्योंकि इतने बड़े शहनाई वादक हुए हैं और इनको घंटों रियाज करना पड़ता था, जिस रियाज के बल पर उन्हें प्रसिद्ध शहनाई वादक घोषित किया गया है। लेकिन बोल रहे हैं कि इस तरह के रियाज करने वाले पहले बहुत रियाज करने वाले होते थे, आजकल वो भी रियाज कोई नहीं करते हैं। हैरान है बिस्मिल्लाह खान, कहाँ है वह कजली चैती और अदब का जमाना, मतलब उस टाइम में एक दूसरे को लोग प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के लिए मरते थे मिटते थे, लेकिन आज वह सब नहीं है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से, जैसे मलाई बर्फ चला गया, संगीत साहित्य और अदब, मतलब बोल रहे कि जिस तरह
मलाई बर्फ वाले चले गए, उसी तरह जो है जिस तरह का संगीत और साहित्य में एक अदब रहता था, साहित्य के प्रति लोगों का के मन में प्रेम भाव रहता था, वह सब सारा का सारा लुप्त हो गया है। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्ला खान को इन सब की कमी खल रही है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खान एक दूसरे जिया और होली आबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति कल्चर भी एक दूसरे के पूरक हैं। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, मतलब इतिहास में भी इसका जिक्र हुआ है और आगे बोल रहे हैं कि इतिहास और बन जाएगा। फिर भी जो कुछ बचा है वह सिर्फ काशी में बचा है, बोल रहे हैं इतना कुछ भी जो थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिल रहा है वह काशी में ही देखने को मिल रहा है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थाप पर जो है सोती है, मतलब काशी को मुक्ति धाम कहा गया है और काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी आनंद कानन है, मतलब आनंद देने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्ला खान, लेखक बोल रहे हैं कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान जैसे लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा दो कौमों मतलब दो जातियों हिंदू मुस्लिम सबको जो है जोड़ कर रखते थे, सब में भाईचारे का संबंध रहता था और वे संस्कृति के प्रतीक थे। मतलब हिंदू क्या मुस्लिम क्या किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, सब को एक समझते थे। यही कह रहे हैं कि ऐसे आदमी अभी कहाँ मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मान करके चलते थे। जितना प्रेम उन्हें अल्लाह से था उतना ईश्वर से भी था और उसी तरह काशी से प्रेम किया करते थे और उस जगह से भी उन्हें इतना ही लगाव हो गया था। आगे बोल रहे हैं कि भारत रत्न से लेकर के इनको बहुत सारे जो है उपाधियां मतलब पुरस्कार मिले हैं और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्ला खान शाह भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में और 90 वर्ष तक उनकी आयु थी और 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष तक जो है उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जीने की लालसा को अपने अंदर भी जो है जीवित रखे। अर्थात 80 साल तक उन्होंने रियाज किया और पूरी लगन के साथ अपनी संगीत साधना में अंतिम समय तक लगे रहे। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और जब यह आप लोगों को पाठ पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और कुछ भी सलाह या जो भी परामर्श आप लोगों को देना हो नीचे लिखे गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे हम फिर दूसरे पाठ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।